क्या आप बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम से परेशान हो? आपको ऐसा लगता है आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूँ सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे ऐसा एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में जो टैबलेट और सिरप फॉर्म में मिलता है और आपका गले का खराश, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका स्किन का इन्फेक्शन आदि के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ऐसा एक दवाई है जो आपको डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसका नाम है सेप्टिलिन। आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानना चाहोगे सेप्टिलिन कैसे काम करते हैं? सेप्टिलिन शरीर में एंटीबॉडी को बढ़ाता है जिससे इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ने के लिए उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाते हैं। ये शरीर के प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं और बीमारी को दूर भगाते हैं और इन्फेक्शन को नष्ट कर देते हैं। इसका मैन्युफैक्चरर है हिमालय कंपनी और इसका टैबलेट और सिरप फॉर्म में मिलता है। ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। इसका जो मेन तत्व है गुलंचा, यष्टी मधु और गुगलू, ये छोड़ के भी कुछ आयुर्वेदिक जोड़ी बूटियां इसमें है। अभी सवाल होता है सेप्टिलिन लेने में हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। सेप्टिलिन एक एंटीपायरेटिक है, इसलिए बुखार यानी टेम्परेचर को कम करने के लिए मदद करता है। ये आपका एंटी इंफ्लेमेटरी होने का कारण आपका शरीर को सूजन को कम कर देते हैं। ये एंटीबायोटिक भी है, एंटी वायरल भी है, इसलिए जो मामूली सर्दी, खांसी, बुखार या रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम है, स्किन का, त्वचा का जो भी इन्फेक्शन है उसको दूर भगाते हैं। आपका कोई भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन पीला हो जाए तो इसको ठीक करते हैं। आपको डिफेंस मैकेनिज्म को ये मजबूत बनाते हैं। आप अगर बीमार पड़ भी गए सेप्टिलिन लेने के बाद आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे क्योंकि आपका शरीर में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाए। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग नए हो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी वेरी मच। सेप्टिलिन एक ऐसा दवा है, एक आयुर्वेदिक दवाई है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए एक से ज्यादा इन्फेक्शन को भी ठीक करने का क्षमता रखते हैं, जैसे कि आंखों का इन्फेक्शन, सांस का रास्ते में इन्फेक्शन, गले का खराश, गुर्दे का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, आपका ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट इत्यादि काम करता है। तो है ना ये काम का चीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खाली आप सेप्टिलिन लेके आप सारे बीमारी ठीक करोगे। आपका अगर कोई बीमारी है तो उसका दवाई आपको लेना पड़ेगा एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और साथ में आप सेप्टिलिन ले सकते हो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपका इन्फॉर्मेशन और जानकारी, प्लीज सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अभी सवाल है सेप्टिलिन का उपयोग कैसे करें, इसका डोज क्या है। देखिए सेप्टिलिन बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सबके लिए ये यूजफुल है। अगर आप छोटे बच्चे का बात करें 6 साल तक तो आधा से एक चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अगर टैबलेट या गोली का बात करें तो रोजाना एक गोली सुबह, एक गोली शाम, और बहुत छोटे बच्चे के लिए आधा गोली, और बड़े बच्चे के लिए अप टू 6 to 12 इयर्स के लिए तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, और एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को कुछ खाने का बाद दिया, खाली पेट पे नॉर्मली ये नहीं दिया जाता। और जो एडल्ट है चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो उसको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को दिया जाता है कुछ दिन के लिए, फिर 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को रेगुलर बेस पे दिया जाता है। कितना दिन लेना है वो डॉक्टर को आप पूछ के कंसल्ट करके आप जरूर लेना, सेल्फ मेडिकेशन इसमें मत करें। अगर जहाँ तक सिरप का बात है तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को कुछ खाने के बाद लेना, खाली पेट में प्लीज इसको मत ले। अभी हम बात कर लेते हैं सेप्टिलिन का साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए एक आयुर्वेदिक दवा है, इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी कोई रेयर केस में जो साइड इफेक्ट्स है इनमें से एक है शरीर में एलर्जी या चकिता हो जाना है। कभी कभी ऐसा होता है जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है वो इस दवा को लेने के बाद ब्लड प्रेशर में थोड़ा गड़बड़ी नजर आता है। कृपया करके जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मरीज हो वो डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाई को ले। ये छोड़ के जो जिसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पहले से ही है तो उसको लेने के बाद इनको थोड़ा पेट में गड़बड़ी कभी कभी हो जाता है, इस केस में आप डॉक्टर से जरूर सलाह करें। ये छोड़ के ज्यादा हार्मफुल ये नहीं है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था साइड इफेक्ट पे हमने बताया। अभी हम जान लेते हैं मेडिसिन इंटरेक्शन के बारे में। देखिए इसमें ऐसा इंटरेक्शन नहीं देखा गया है, जैसे आपका जानकारी के लिए
अल्कोहल का साथ ये दवाई नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें इंटरेक्ट होने का चांस ज्यादा है। और जो लोग डाइजेपम लेते हैं या इस टाइप का नींद का गोली लेते हैं, उन लोगों को भी इस गोली या सिरप लेने से पहले डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। जो लोग क्रॉनिक डिजीज है जैसे किडनी का है, लीवर का है, वो लोग भी इस टैबलेट लेने का पहले डॉक्टर से सलाह चाहिए। अभी हम कुछ आप लोगों को सवाल का बारे में कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम जवाब देते हैं। लोग पूछते हैं क्या ये सेप्टिलिन एक एंटीबायोटिक है? देखिए ये एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी कई सारे गुण मौजूद है। तो इसमें प्राकृतिक रूप से आपका अंदर में एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है जो एंटीबायोटिक तौर पे काम करता है, लेकिन ये कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है जैसा एलोपैथिक मेडिसिन। इस धारणा को आप समझ। कई लोग पूछते हैं जे क्या ये खाली पेट लिया जा सकता है? देखिए खाली पेट ये नहीं लेते, ये कुछ खाने का बाद ही दिया जाता है। कई लोग पूछते हैं क्या ये गोली चबा चबा के लेना है? नहीं, ये चबा के नहीं लेना है, ये खाने का बाद पानी का साथ निकाल लेना चाहिए। कई लोग पूछते हैं सेप्टिलिन हम कितना बार ले सकते हैं? देखिए ये सुबह शाम का डोज है। आप अगर गोली का बात करें एडल्ट के लिए, हमने पहले भी बताया 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को कुछ दिन के लिए, उसके बाद 1 गोली आप उसमें आ जाइए सुबह शाम। सिरप का बात करें तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, बच्चे के लिए 1 चम्मच, छोटे बच्चे के लिए आधा चम्मच, ये है इसका डोज। ये छोड़ के भी कुछ स्पेशल केस में डॉक्टर जैसे एडवाइस करे ऐसा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारा एक हेल्थ चैनल है, नाम है हेल्दी माइसेल्फ। आप उस चैनल में जाए और वीडियो देखे और हेल्दी और फिट रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। जो लोग मेटफॉर्मिन के बारे में जानना चाहते हो प्लीज कृपया करके ये वाला वीडियो देख लीजिए। जो लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में जानना चाहते हो वो लोग ये वाला वीडियो। धन्यवाद।